हेलो गाइस, मैं हूं आपकी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, जो 13 टू 19 एज के बच्चे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस एज में भी बच्चों में काफी वेट होता है एंड यही एज होता है बच्चों की ग्रोथ का। एंड आज मैं आपको बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। तो आज जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, इन एक्सरसाइज से बच्चों की बॉडी फ्लेक्सिबल एंड फिट रहेगी। साथ के साथ ये एक्सरसाइज बच्चों के वेट लॉस में एंड ग्रोथ में काफी हेल्प करेगी। एंड जैसे मैं आपको बताऊंगी, सेम आपको मुझे फॉलो करना है, कोई गर्ल्स एक्सरसाइज नहीं करनी है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हम इस वीडियो का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट लेग को आउटसाइड निकालना है, देन वापस रख के सेम राइट लेग को आउटसाइड ले जाके देन वापस लाना है। इसमें हमें अपने हैंड्स को लेफ्ट साइड फर्स्ट डाउन करना है, राइट हैंड को फर्स्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड हमारी वेस्ट पे रहेगा। सेम हम अपने राइट साइड करना है, फर्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, डाउन देन वापस लाके सेम राइट साइड, अगेन लेफ्ट, अगेन राइट। इस एक्सरसाइज को आपको 15 के 2 सेट्स करने हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है, देन हमें अपनी अपर बॉडी से डाउन यानी कि जहाँ तक हमारी नी है लेग तक, वहाँ से हमें अपनी बॉडी को बेंड करना है यानी कि बैक साइड लेके जाना है। अपने दोनों हैंड्स को होल्ड करके हमें बैक साइड ले जाना अपनी बॉडी को, देन वापस लाके सेम राइट साइड, अगेन लेफ्ट। इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ज्वाइन करके रखना है। हमें अपने लेग को यूज नहीं करना है, ओनली अपने हैंड्स को यूज करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके रखना है। फर्स्ट हमें अपने राइट हैंड को अपसाइड उठाना है, देन डाउन करके सेम लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। इसको भी आपने 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है, हमें अपनी नी को बेंड करना है, देन बॉडी को डाउन साइड ले जाके देन अप करना है। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को फर्स्ट डाउन साइड ले जाके फ्लो को टच करना है, देन अपसाइड आके हमें अपनी बॉडी को अपसाइड स्ट्रेच करना है, अगेन डाउन अप। इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहां पर कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ज्वाइन करना है, देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को राइट साइड किक करना है, देन सेम लेफ्ट साइड। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को होल्ड करके रखना है एंड इस एक्सरसाइज को 15 के 2 सेट्स करने हैं। कोई भी एक्सरसाइज फास्ट नहीं करनी है, ना ही कोई एक्सरसाइज गलत करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ सेम आपको वैसे ही फॉलो करना है। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है।
सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ज्वाइन करके रखना है, देन फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट लेग को ओपन करके देन ज्वाइन करना है, सेम हमें राइट लेग को यूज करना है ओपन करके देन ज्वाइन। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को भी यूज करना है, फर्स्ट हमें अपसाइड क्लैप करना है देन डाउन सेम राइट साइड, इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करना है, देन फर्स्ट हमें अपने राइट लेग को यूज करना है, राइट लेग की नी को बेंड करके अपसाइड उठाना है, देन सेम लेफ्ट को यूज करना है। इसमें हमें अपने लेफ्ट हैंड से फर्स्ट अपने राइट लेग की नी को टच करना है सेम लेफ्ट साइड, इसमें कोई जंप नहीं करना है, ये हमें स्टैंड ओके करना है, इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपने दोनों लेग को ओपन करके अपने राइट हैंड से फर्स्ट लेफ्ट लेग की टो को टच करना है, अपनी दोनों लेग की नी बेंड नहीं करनी है, सेम लेफ्ट से राइट को, इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करना है, देन फर्स्ट हमें अपने लेफ्ट लेग की नी को बेंड करके फ्रंट साइड रखना है, देन बॉडी को डाउन करना है, सेम हमें राइट को यूज करना है। इसमें हमें अपने दोनों हैंड्स को अप से डाउन लेके जाना है सेम राइट अगेन लेफ्ट, इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। हमें दोनों लेग की नी बेंड करनी है, इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज भी यहां पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को डाउन साइड ले जाना है, देन फर्स्ट हमें आगे के साइड फ्लो पर ही रखना है, देन सेकंड भी आगे, थर्ड भी आगे रख के फोर्थ में हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है, देन वापस आना है, हमें वापस 3 स्टेप करके फोर्थ पे हमें अपसाइड होना है, बॉडी को स्ट्रेट करना है, अगेन सेम 1 2 3 4 बैक 1 2 3 4 अगेन सेम, इसको भी 15 के 2 सेट्स करने हैं। इसी तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बच्चों जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है आपको रेगुलर फॉलो करनी है, वन डे भी मिस नहीं करना है। मेरी इन एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल रहेगी, साथ के साथ ये एक्सरसाइज आपके वेट लॉस एंड ग्रोथ में काफी हेल्प करेगा। एंड जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को अपनी नेक्स्ट आने वाली किसी भी वीडियो पे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड जैसे मैंने करवाया है सेम आपको मुझे फॉलो करना है, कोई भी गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है।
आज के लिए इतना ही एंड मैं ऐसे ही आपके लिए दोबारा न्यू एक्सरसाइजेस लेके आऊंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी न्यू एक्सरसाइज के साथ। अभी के लिए बाय बाय।